दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से आप अपने Zoom ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं, यानी अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और आप लोग भी अपना Zoom ऐप में अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपना Zoom एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को इंटरफेस मिलेगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साइन अप करने के लिए सिंपली सा क्या करना है, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला साइन अप, दूसरा सिंग इन। तो आपको क्या करना है, सिंग इन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद सिंग इन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नहीं तो यहाँ पर गूगल अकाउंट से क्लिक कर सकते हैं, अपना एप्पल अकाउंट से कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से अपना फेसबुक से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली से अपना गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ। गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली से क्या करना है, आपको उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला कैंसिल का और दूसरा कंटिन्यू का। सिंपली से आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ डाल लेने के बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर फिर से आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका गूगल अकाउंट से यहाँ पे बन गया है। तो आपको सिंपली सा यहाँ पे फिर से कंटिन्यू की आपको क्लिक करना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्राई फ्री फॉर 30 दिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर फ्री वाला पर नहीं क्लिक करना चाहते तो आपको यहाँ पर पैसे लगेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं महीने के यहाँ पर 400 इतना रुपए, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1 साल के लिए आपको इतना रुपए। सिंपली से क्या करना है, ट्राई फ्री फॉर 30 दिन के लिए आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा Zoom ऐप का यहाँ पे अकाउंट बन चुका है, यानी कि क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से आप अपने Zoom ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने सीख लिए होंगे कि Zoom ऐप में किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप लोग सीख लिए Zoom ऐप में अपना अकाउंट बनाना तो आज की इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।